चारा घोटाला के देवघर कोषागार मामले में दोषी करार दिए गए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही लालू को 5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि जगदीश शर्मा समेत 6 को 7 साल की सजा सुनाई गई है और 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। लालू समेत सभी दोषियों को हजारीबाग की ओपन जेल में रखा जाएगा। लालू के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि सोमवार को उन्हें कोर्ट से फैसले की कॉपी मिलेगी। उसे पढ़ने के बाद वो हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे। सजा सुनाए जाने के बाद लालू यादव के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने खुद बेगुनाह साबित करने की कोशिश की है। लालू की माने तो वो सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जिसकी सजा उन्हें ये मिल रही है। LIVE UPDATES। जमानत के लिए अब लालू यादव को हाईकोर्ट जाना होगा। लालू को निचली अदालत CBI कोर्ट से अब जमानत नहीं मिलेगी। देवघर कोषागार घोटाले मामले में लालू को 3.5 साल की सजा। रांची की CBI अदालत से लालू यादव समेत सभी 16 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया गया। लालू रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इससे पहले शनिवार दोपहर 2 बजे के बाद विशेष कोर्ट के जज शिवपाल सिंह कोर्ट रूम पहुंचे थे, जबकि जेल में बंद लालू समेत सभी 16 दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। इस दौरान 6 दोषियों की सजा पर सुनवाई भी हुई, जिसके बाद जज ने सभी दोषियों को फैसले के लिए शाम 4 बजे तक इंतजार करने का आदेश दिया था। दरअसल रांची की CBI विशेष अदालत में आज 6 दोषियों की सजा पर सुनवाई होनी थी। लालू समेत बाकी 10 दोषियों की सजा पर गुरुवार